आज मैं और मेरा दोस्त पहुंच चुके हैं शादी में, जहां पर लड़का और लड़की एक दूसरे के गले में फांसी के फंदे डाल रहे थे, नहीं सॉरी मेरा मतलब हार डाल रहे थे और अपनी ज़िंदगी जीने का शुरुआत कर रहे थे। लेकिन मुझे एक बात की चिंता सताई जा रही थी भैया, कि कहीं प्लेट ख़त्म ना हो जाए और हमें खाने को ना मिले। तो मैं और मेरा दोस्त दौड़ते भागते गिरते पड़ते हुए खाने के मंडप में पहुंच चुके थे। और ये मेरा दोस्त है मोटू, जिसे मैं प्यार से हाथी भाई बुलाता हूँ। ऐसे हाथी का छोटा बच्चा ही लगता है। और भीड़ इतनी थी कि मुझे लगा कि दुनिया के सारे भूखे आदमी यहीं पर आकर पहुंच चुके हैं। फिर क्या था, मैं और मेरे दोस्त भी उस भूखे लोगों के भीड़ में शामिल हो गए। हाथी भाई अपने खाने पर इतने कॉन्सेंट्रेट था कि बकुला भी इसे देखकर शर्मा जाए। फिर बाद में मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ, भैया अगली शादी कब है? तो एक दोस्त बोलता है, क्यों? तो मैंने बोला, क्यों क्या, उसमें भी मुझे खाना खाने जाना है। पाँच किलो वाला आटा दिला दो भैया। भैया मेरी माँ का तबीयत खराब है भैया। ऐसा इंसान नहीं हूँ भैया, आपका दिल जो देना होगा दो, वरना लाइक करो फॉलो करो।